રોલ થોડા જોર છે. આર ગુજરાત પાકું સ્વાગત છે. વકફ બિલ માટે અમદાવાદમાં આજે ખાસ મિટિંગ યોજાઈ હતી. એ મિટિંગ અંદર અસદુદ્દીન ઓવેસી પણ આવ્યા હતા અને અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જતા પહેલા મીડિયા સાથે શું વાત કરી જુઓ આ વિડીયોમાં. રઈસ સૈયદ અમદાવાદ. ચેરમેન નહીં બોલ સકતા ઉસકો બહાર. सर खास करके आपका ऐसा भी था, हर संघवी थे यहाँ पे, काफी सारे लोग थे सर. देखिए मैं आपको बोला ना मेरे भाई, पार्लियामेंट का जो चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, सेलेक्ट कमेटी हो, जेपीसी हो, ये जेपीसी नहीं जेडब्ल्यूसी है, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी ऑन वर्क. तो पार्लियामेंट की जो कमेटी की मीटिंग होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है. हाँ। सर खास करके अभी के माहौल को लेकर ये क्या कहेंगे कि फिलहाल अभी देखे कि बुलडोजर भी चल रहा है वक्फ की जमीन को लेकर भी, तो उसके लेकर सर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुस्लिमों पे कहीं ना कहीं दबाव. देखिए एक अब जो बुलडोजर चल रहा है मेरे ख्याल से साबरमती सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है उसके ऊपर. हाँ उसके ऊपर चल उसके ऊपर वो नहीं उसको मेरे बार उसके बारे में नहीं मालूम मेरे को, वो आपको साबरमती बताएंगे. जहाँ तक वफ का जो बिल का मामला है, वो वफ का बिल इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया ताकि मुसलमानों को उनके धर्म के मुताबिक हम जो वक्फ प्रॉपर्टी चलाते हैं छीन लिया जाए. सुन लीजिए, जितना ये लोग जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं संघ परिवार के लोग के 9,40,000 एकड़ वक्फ की ज़मीन है, आप गवर्नमेंट का रिकॉर्ड उठा कर देखिए, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा के सिर्फ 13 मंदिर की जो प्रॉपर्टी है वो 10,00,000 एकड़ करीब है. तो ये एक झूठा प्रोपोगंडा है. दूसरा ये जो बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को बड़ा पावर्स है, भाई इसी तरह के पावर्स हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को भी हासिल है. और हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो मेंबर बनते हैं वो सिर्फ हिंदू धर्म के बनते हैं. आप वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम बनाना चाह रहे, क्यों बनाना चाह रहे? ये हम आर्टिकल 26 आप पढ़ेंगे उसमें जो सबसेक्शन है वो कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहबी इदारे अपने तरीके से एडमिनिस्टर मैनेज करने का अख्तियार है, उसका वॉयलेशन सरकार कर रही है. वक्फ बाय यूज़र गुजरात में 1100 प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूज़र के हैं. अब वक्फ बाय यूज़र अगर आप निकाल देंगे तो कौन से कानून तहत चलेगा वो? लिमिटेशन एक्ट ना हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर अप्लाई होता है ना वक्फ बोर्ड पर. अभी आप बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पर अप्लाई होगा, तो जो लोग एंक्रोचर है उनको आप रिवॉर्ड करेंगे क्या? तो ये सब चीज़ें हैं जिससे ये कानून जो बिल ला रहे हैं नरेंद्र मोदी वो वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी को एफिशिएंट बनाने के लिए नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी से जो कब्जा कर उनको हटाने के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों से उनके बुजुर्गों की जो गाड़ी कमाई की जो दौलत है उसको छीनना चाह रहे हैं. सर आखिरी और छोटा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रैली थी इम्तियाज़ जलील जो लेके निकले, कहीं ना कहीं आरएसएस ने और इन लोगों ने ऐसा ट्वीट किया है कि पब्लिसिटी स्टंट है सर, लेकिन सारे मुस्लिम एक जगह जमा हुए उसको लेकर क्या कहीं एक हमला किया है सर? नहीं, आरएसएस बीजेपी या जो भी हो उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि वो तो पहले बोले कि नहीं निकलेगी, फिर बोले कि पुलिस रोक लेगी. ये तो आरएसएस नहीं बल्कि दूसरे सेकुलर पार्टी लोग बोले, फिर बोले कि दंगा हो जाएगा. भाई आप सोचिए कि 10,000 गाड़ियों में लोग निकलते हैं अपना तेल लगाकर, अपना वक्त लगाकर और थाने को पहुंचते हैं. अब उसके बाद भी उनको लग रहा है कि ये सब ड्रामा है तो उनको क्या बोल सकते? भाई किसी में दम नहीं था कि वो जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास अनाप शनाप बकने की कोशिश की उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बीजेपी की सरकार वहाँ पर भी है. तो अब ये लोग बौखलाहट का शिकार हैं और कुछ नहीं है. चलो सर, अब हो गया बस. सर प्लीज मत मारो यार, क्या मत मारो, चले मारो सर. थैंक यू सर. कैसा है तू सर? अच्छा अच्छे आप बढ़िया. आने वाला था लेकिन नहीं सर, इलेक्शन में मिलेंगे. मेरा बैग कहाँ है? साबिर भाई, साबिर भाई आज तो मतलब सर से तो बुलवा लिया.